थैंक्स इंडिया चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तिरंगे से पहले ऐसा था भारत का झंडा, तस्वीरों में आगे आप देखेंगे भारत का तिरंगा कितनी बार बदला गया। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 1906 में था भारत का गैर आधिकारिक ध्वज, पहला राष्ट्रीय ध्वज। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस झंडे को लाल पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। 1907 में बना बर्लिन समिति का ध्वज द्वितीय झंडे को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों की ओर से फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, लेकिन इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे सप्तर्षि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। 1917 में आया एक और ध्वज, तीसरा झंडा 1917 में आया था और उस वक्त हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया था। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तर्षि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर खंभे की ओर यूनियन जैक था, साथ ही एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। 1921 में बना एक और गैर आधिकारिक झंडा, जिस वक्त भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए प्रयास कर रहा था। साल 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। दरअसल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये झंडा जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। फिर तिरंगा बना राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल झंडे में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना, ताकि दोस्तों इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आप देख सकें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्ते।